हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज हम ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है, लेकिन कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ऑक्सीजन बाय इटसेल्फ नॉट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट इट इज यूज फॉर वेरियस ऑक्सीडेशंस इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट्स। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता है, बट कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, अब कुछ रिएक्शंस लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मीथेन है। ठीक है, जब ये 1/2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास मिथेनॉल बनता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में हम कॉपर कैटलिस्ट लेते हैं। ठीक है, 100 एटमॉस्फेयर पे ये रिएक्शन होती है, उसके बाद टेम्परेचर 260 डिग्री लेते हैं। एक और रिएक्शन लेते हैं, इसमें भी हम मीथेन लेते हैं। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और साथ में वाटर भी बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हमने मीथेन लिया है, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। ठीक है बच्चों, इसमें हम मॉलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, टेम्परेचर इसमें हम 400 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरी रिएक्शन लेते हैं, ये हमने अल्कोहल लिया है। ठीक है, ये इथेनॉल है। ठीक है बच्चों,
इस रिएक्शन में हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम सिल्वर कैटलिस्ट लेते हैं, टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। या यहाँ पे हम कॉपर भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक और रिएक्शन लेते हैं। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, हम सल्फर लेते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास SO2 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम फिर ऑक्सीजन के साथ करते हैं, यहाँ पे हम नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, और ये रिएक्शन प्लेटिनम की प्रेजेंस में होती है, यानी कि प्लेटिनम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास SO3 बनता है, इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो फाइनली हमारे पास H2SO4 बनता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था ऑक्सीजन के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।